Now, this next set of controls, right, are the list controls. Again, I repeat. Now, the next set of controls are the list controls because ASP.NET के अंदर तो list controls भी बहुत सारे available है. List box है, drop down list है, radio button list है, checkbox list है, फिर bulleted list है. These are the list controls के जो ASP.NET के अंदर available है. And again, ये पर्टिकुलर लिस्ट कंट्रोल्स के साथ हम रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं कि जो हमने बिफोर 3-4 लेक्चर्स वो टॉपिक देखा था जब हमने लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के साथ रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग इंप्लीमेंट किया था, राइट? एंड ये लिस्ट कंट्रोल्स के साथ आप डेटा सोर्स में से, एंड आपको पता है कि डेटा सोर्स कैन बी एनी, डेटाबेस भी हो सकती है या फिर कोई फाइल भी हो सकती है, उसमें से डेटा रिट्राइव करके आप ये लिस्ट कंट्रोल के साथ डेटा बाइंड कर सकते हो, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू द नीड आप ये सेट कर सकते हो कि सिंगल वैल्यू सिलेक्ट होनी चाहिए या मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट होनी चाहिए. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द यूजर नीड्स, राइट? ओके, नाउ दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज कि जो आपको सारे लिस्ट कंट्रोल्स के साथ मिलेगी. सो वो प्रॉपर्टीज हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, राइट? उसके बाद स्पेसिफिक अगर कोई लिस्ट कंट्रोल है और उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है तो वो हम वहां पे देखेंगे. पहले हम जो कॉमन प्रॉपर्टीज है विच आर अवेलेबल विथ ऑल द लिस्ट कंट्रोल्स वो पहले देख लेते हैं. अगेन, फर्स्ट इज ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी. ये तो मैंने अभी तक आई थिंक 3-4 टाइम्स आपको एक्सप्लेन की, राइट? कि अगर आपको सिलेक्शन के वक्त, राइट, यूजर जब सिलेक्शन चेंज करता है तो आपको अगर पेज को ऑटोमेटिकली पोस्ट बैक करना है तो आप ये ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू सेट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज आइटम्स कलेक्शन कि जिसके अंदर एक्चुअल आप आइटम्स दैट इज वैल्यू स्पेसिफाई करोगे कि जो आप यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हो. नेक्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज आर टोटली रिलेटेड टू द वैल्यू के जो आप सिलेक्ट करोगे, राइट? फर्स्ट इज सिलेक्टेड इंडेक्स, मतलब जो आपने आइटम सिलेक्ट की है फ्रॉम द लिस्ट उसका इंडेक्स क्या है. नेक्स्ट इज सिलेक्टेड आइटम, आपको डायरेक्टली वो पर्टिकुलर आइटम मिल जाएगी कि जो आपने सिलेक्ट की है. एंड नेक्स्ट इज सिलेक्टेड वैल्यू, अगर आपने वहां पे वैल्यू प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिटली सेट की है, राइट? तो आप ये सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी में से वो वैल्यू रिट्राइव कर सकते हो बिकॉज हमें पता है कि हम डिस्प्ले कोई और चीज करवा सकते हैं, कोई और फील्ड्स करवा सकते हैं, एंड इंटरनली एज अ वैल्यू, मतलब लॉजिक के अंदर हम कोई और फील्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज डेटा सोर्स प्रॉपर्टी, मतलब ये पर्टिकुलर लिस्ट कंट्रोल के अंदर, राइट, डेटा कहाँ से आएगा, राइट? टेबल में से आएगा या फिर कोई फाइल में से आएगा, राइट? वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज डेटा मेंबर प्रॉपर्टी कि जिसके अंदर आइदर यू कैन गेट और सेट द नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ डेटा कि जिसे आप बाइंड करना चाहते हो फ्रॉम द डेटा सोर्स, एंड दिस लिस्ट ऑफ डेटा कैन बी फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, राइट? नाउ अगेन टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज डेटा टेक्स्ट फील्ड एंड डेटा वैल्यू फील्ड. डेटा टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम वो फील्ड का नेम सेट करेंगे फ्रॉम द डेटा सोर्स कि जो हम एज अ टेक्स्ट कंटेंट वहां पे डिस्प्ले करना चाहते हैं. एंड डेटा वैल्यू फील्ड के अंदर हम वो फील्ड ऑफ द डेटा सोर्स बाइंड करेंगे, राइट, वहां पे सेट करेंगे कि जो हम एज अ वैल्यू यूज करना चाहते हैं, इंटरनली एज अ वैल्यू यूज करना चाहते हैं, राइट? एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग. अगर हम कोई वहां पे जो भी डेटा टेक्स्ट हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके रिलेटेड एक्सप्लिसिटली कोई फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं, देन दैट इज आल्सो पॉसिबल, एंड इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग, राइट? एंड द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ ऑल द लिस्ट कंट्रोल्स इज सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट. अगेन आई रिपीट, डिफॉल्ट इवेंट ऑफ ऑल द लिस्ट कंट्रोल्स इज सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट. जहां पे भी सिलेक्शन चेंज होगा ये पर्टिकुलर इवेंट फायर होगी, राइट? नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमने जो ये आइटम्स कलेक्शन देखा यहाँ पे, इट्स ओवर हियर, राइट? इट इज इन टर्म्स ऑफ लिस्ट आइटम. अगेन आई रिपीट, इट इज इन टर्म्स ऑफ लिस्ट आइटम, राइट?
So obviously, if it is in terms of list item and this particular list item is available in terms of class, right? तो उसके related भी हमारे पास यहाँ पे properties होगी, right? So list controls के अंदर जो आप items collection के अंदर जितने भी items आप add करते हो वो सारे आइटम्स के रिलेटेड एक्सप्लिसिटली एक लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. अगेन आई रिपीट, वो सारे आइटम्स के रिलेटेड एक्सप्लिसिटली वहां पे लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, राइट? वो तो आपने जब ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर या फिर लिस्ट बॉक्स के अंदर या फिर कोई भी लिस्ट कंट्रोल्स के अंदर जब आइटम्स के इलिप्स पे क्लिक किया होगा तो वहां पे आपको पूछता है एड आइटम, और जैसे ही आप एड आइटम के ऊपर क्लिक करते हो तो वहां पे लिस्ट आइटम क्रिएट होती है, राइट? एंड इट इज रिलेटेड टू दिस लिस्ट आइटम क्लास, एंड उसके रिलेटेड अगेन वहां पे टैग अवेलेबल है, दैट इज ASP लिस्ट आइटम, एंड HTML के अंदर उसके रिलेटेड जो टैग अवेलेबल है दैट इज ऑप्शन, राइट? अब हम ये लिस्ट आइटम के रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं. सो द फर्स्ट इज एनेबल प्रॉपर्टी. Enable property का मीनिंग ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी enable के अंदर वैल्यू ट्रू है तो यूजर उसे सिलेक्ट कर पाएगा, और false है तो obviously वो उसे सिलेक्ट नहीं कर पाएगा. Next, selected again it will be either true or false, मतलब ये particular item अभी currently selected है कि नहीं है. Next is text property. Text property मतलब हमें list control के अंदर within list item क्या text display करना है वो हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वैल्यू प्रॉपर्टी. अगर हमें ये पर्टिकुलर लिस्ट आइटम के साथ एक्सप्लिसिट कोई दूसरी वैल्यू एसोसिएट करनी है तो हम यहाँ पे ये वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. अगर हम वैल्यू प्रॉपर्टी एक्सप्लिसिटली सेट नहीं करेंगे तो इट विल बी सेम एज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट? सो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें वहां पे कोई एक्सप्लिसिट वैल्यू अटैच करनी है कि नहीं करनी है. Good enough. Now, from the list of list controls, first control is list box control. Again, I repeat, first control is list box control. और वो इस हिसाब से आपको दिखता है, right? कि जहां पे आप more than one items भी at a time देख सकते हो, right? And ये list box control में से आप more than one item select भी करवा सकते हो, right? Good enough. So tag is ASP colon list box, और HTML के अंदर जो tag है that is select tag, right? Okay. Now specific properties related to this list box control. First is rows property. मतलब at a time हमें ये कितने number of rows यहाँ पे display करनी है, मतलब कितने number of items यहाँ पे display की हुई दिखाई देनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे rows में 3 set करती हूँ तो एट अ टाइम मुझे 3 आइटम्स यहाँ पे दिखेगी, एंड आफ्टर दैट आई विल गेट द एरो बटन, ताकि मैं एरो बटन का यूज करके मैं आइटम्स को चेंज कर सकूं, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकूं. या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि रोज प्रॉपर्टी का यूज करके यू आर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल, राइट? नेक्स्ट इज सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी. सिंगल सिलेक्शन रखना है या फिर मल्टीपल सिलेक्शन रखना है वो आप ये सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल, राइट? ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज सिमिलर टू द कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल के जो आपने VB.NET के अंदर देखा था, राइट? नाउ एज द नेम सेज ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे ही आप ये एरो के ऊपर क्लिक करोगे लिस्ट ड्रॉप होगा. अगेन आई रिपीट, जैसे ही आप ये एरो के ऊपर क्लिक करोगे लिस्ट ड्रॉप होगा, एंड इट विल अलाउ सिंगल सिलेक्शन. अगेन आई रिपीट, इट विल अलाउ सिंगल सिलेक्शन, एंड अगेन उसका अपियरेंस आप सेट कर सकते हो. वो तो हमने ऑलरेडी ये सारी प्रॉपर्टीज देखी, उसका यूज करके आप उसका अपियरेंस सेट कर सकते हो, राइट? एंड ASP के अंदर जो उसके रिलेटेड टैग है दैट इज ASP colon ड्रॉप डाउन, राइट? गुड इनफ. नाउ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के रिलेटेड कोई अलग से दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. जो हमने लिस्ट कंट्रोल्स की कॉमन प्रॉपर्टीज देखी वही प्रॉपर्टीज इसके साथ अवेलेबल भी है, एंड डिफॉल्ट इवेंट इज ऑब्वियसली सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट. नाउ द नेक्स्ट लिस्ट कंट्रोल इज चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल.
अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो चेकबॉक्स की तरह ये लिस्ट कंट्रोल अपीयर होगा. अगेन आई रिपीट, चेकबॉक्स की तरह ये लिस्ट कंट्रोल अपीयर होगा. एंड अगेन एज इट इज अ चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल, तो आप यहाँ पे मल्टी सिलेक्शन भी वहां पे कर सकते हो. बिकॉज जैसे चेकबॉक्स हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे अगर ये चेकबॉक्स का लिस्ट है तो वहां पे हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं. एंड अगर हमें जानना है कि ये पूरे लिस्ट में से कौन कौन से आइटम सिलेक्ट हुए हैं, तो हम ये चेकबॉक्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसकी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन कौन सी आइटम्स यहाँ पे सिलेक्टेड है, राइट. एंड ASP के अंदर उसके रिलेटेड जो टैग है दैट इज ASP कॉलन चेकबॉक्स लिस्ट, राइट. गुड इनफ. नेक्स्ट इज रेडियो बटन लिस्ट. ऑब्वियसली लिस्ट तो होगा बट इट विल अपियर एज रेडियो बटन. एंड अगेन अगर ये रेडियो बटन लिस्ट है तो वहां पे सिंगल सिलेक्शन होगा. मतलब जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम्स आप यहाँ पे डिस्प्ले करोगे उसमें से यूजर सिंगल आइटम ही सिलेक्ट कर पाएगा. एंड अगेन आपको सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी पे से पता चल जाएगा कि यूजर ने कौन सी आइटम सिलेक्ट की है, राइट. सो दैट इज रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल. ओके, नाउ द कॉमन प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड टू रेडियो बटन लिस्ट एंड चेकबॉक्स लिस्ट, राइट. दोनों कंट्रोल्स के रिलेटेड जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है. फर्स्ट इज रिपीट लेआउट. मतलब आपको कैसा लेआउट चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट में चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट में चाहिए, या फिर स्पैन टैग के हिसाब से आपको लेआउट चाहिए वहां पे, तो आप ये रिपीट लेआउट में सेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज रिपीट डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन में आपको लिस्ट चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिस्ट चाहिए. नेक्स्ट इज रिपीट कॉलम. अगर आप हमारे पास वहां पे 100 आइटम्स है तो ऑब्वियसली 100 आइटम हम एक ही कॉलम में डिस्प्ले करेंगे, देन पेज बहुत बड़ा हो जाएगा. तो अगर हमें वहां पे मल्टीपल कॉलम्स में वो आइटम्स को डिवाइड करनी है तो हम रिपीट कॉलम्स के अंदर वो कॉलम नंबर सेट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एंड टेक्स्ट अलाइन. दिस थ्री प्रॉपर्टीज आर टोटली रिलेटेड टू द सेम थिंग दैट इज टेबल के अंदर जो उसका वर्क होता है वही इसके अंदर आएगा, दैट इज सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एंड टेक्स्ट अलाइन, राइट. So these are the common properties that are related to radio button list and checkbox list. And the last list control is bulleted list. Again I repeat, last list control is bulleted list. मतलब list तो display होगा but it will be displayed in terms of bullet. लेकिन अगर हमें वो bulleted list को as a numbered list display करना है then that is also possible. सिर्फ आपको वहां पे उसकी स्टाइल चेंज करनी है, डिस्प्ले स्टाइल आपको क्या रखनी है वो आप वहां पे सेट करोगे तो वो उस हिसाब से डिस्प्ले करेगा. सो ASP के अंदर उसके रिलेटेड जो टैग है दैट इज ASP कॉलन बुलेटेड लिस्ट, एंड HTML के अंदर है दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट UL एंड ऑर्डर्ड लिस्ट दैट इज OL. बिकॉज अनऑर्डर्ड लिस्ट दैट इज रिलेटेड टू बुलेट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट दैट इज रिलेटेड टू नंबर, राइट. ओके, सो बुलेटेड लिस्ट की प्रॉपर्टीज होगी ऑब्वियसली तो ही हम वहां पे सारी चीज सेट कर पाएंगे. सो फर्स्ट इज बुलेट स्टाइल, कि जिसके अंदर आप नंबर, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, रोमन या फिर डिस, सर्कल, स्क्वायर वो आप सेट कर सकते हो, या फिर कोई इमेज भी वहां पे सेट कर सकते हो. और अगर आपने ये बुलेट स्टाइल के अंदर कस्टम इमेज वैल्यू सेट की है तो बुलेटेड इमेज URL प्रॉपर्टी के अंदर आपको वो इमेज सेट करनी है कि जो आपको वहां पे बुलेट के हिसाब से चाहिए, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फर्स्ट बुलेट नंबर. अगर मैं यहाँ पे नंबर सेट करती हूँ तो मैं फर्स्ट बुलेट नंबर के अंदर 4 सेट करूंगी तो जो लिस्ट जनरेट होगा वो 4 से स्टार्ट होगा. लाइकवाइज इट विल बी रिलेटेड टू अल्फाबेट्स ऑल्सो, राइट. अनदर प्रॉपर्टी इज डिस्प्ले मोड. बुलेटेड लिस्ट तो है लेकिन आपको वो बुलेटेड लिस्ट लिंक बटन के हिसाब से डिस्प्ले करना है, या फिर हाइपरलिंक के हिसाब से डिस्प्ले करना है, या फिर सिंपल टेक्स्ट के हिसाब से डिस्प्ले करना है, तो वो आप डिस्प्ले मोड यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट. मतलब पता चलेगा कि ये बुलेट किस हिसाब से डिस्प्ले होगा, राइट. सो स्टूडेंट्स दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल, राइट. सो आई थिंक हम एक काम करते हैं, ये लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, राइट. एंड आफ्टर 5 मिनट्स
हम नेक्स्ट लेक्चर जो ASP.NET का ही है वो हम ज्वाइन करेंगे विद दैट पर्टिकुलर लिंक. ठीक है. सो यहां तक अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई